सरकार, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने हमें किसी मटेरियल की कमी नहीं होने दिया आज तक। मेनली डिपेंड होता है मटेरियल के ऊपर, अगर मटेरियल के ऊपर अगर हमें कंटिन्यूसली मटेरियल पड़े तो उससे हमें आउटपुट बहुत जल्दी निकलता है। और सर ने किसी चीज़ की कमी ना हमें अपने एम्प्लॉयज को ना किसी को भी कमी नहीं आने दी, जिसकी वजह से ये काम हमारा बहुत तेज़ी से चल पड़ा है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके आपदा के साथ और मैं हूँ आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। आज बहुत दिनों के बाद आपको बता दें कि हम आज आपको जेडी रोड की अपडेट बता रहे हैं कि जेडी रोड का कार्य जो है वो कितना हो चुका है और कितना पेंडिंग है। और सबसे बड़ा प्रश्न के गैडाखड की बात करते हैं, वहाँ पे ये रोड कार्य जो है वो कब शुरू होगा। तो इस समय हम बिल्कुल जीरो पॉइंट पे हैं, टाली मोड़ से लगभग 400 या 500 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क भी हुआ था और अब यहाँ पे रोड को जो है वो फिलहाल इसकी फिलिंग की जा रही है। और जो भी बड़े कार्य थे, जो बड़ी पुली बननी थी उनके कार्य की बात करते हैं तो मैक्सिमम हो चुका है, उनके ऊपर अब मात्र स्लैब डालना जो है वो बाकी है। इस रोड की पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ यहाँ पे प्राइवेट जेई समीर जी हैं जो पूरे रोड की जो है वो निगरानी जहाँ पे कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर गैडाखड का कार्य कब होगा और इस रोड के क्या इस समय सूरत हाल है। जी स्वागत है समीर जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। तो क्या अभी तक क्या अपडेट है, कितना कार्य जो है वो हो चुका है इस जेडी रोड की बात करते हैं? आपकी आंखों के सामने हमारा काम चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 50-60% तो हमारा काम हो चुका है। अभी हमारे कलवर्ट्स भी लगभग 5 से 6 कलवर्ट तैयार हो चुके हैं, अब उनमें स्लैबें डालना बाकी है। सीडी वर्क, जो प्रोटेक्शन वर्क हमारा चल रहा है, दीवारों का डंगवा काम चल रहा है, वो भी 5 किलोमीटर तक 70% हो चुका है। आप खुद भी नज़र मार सकते हैं, हर टाइम आप चलते रहते हैं, हमारी क्वालिटी हुआ, कंट्रोल हुआ, जो भी आप हर की चीज़ देख सकते हैं। तो कितना रोड, ये इसकी चौड़ाई कितनी है, कितनी चौड़ाई इस समय रोड की? हमें यहाँ पे 5.5 मीटर में लुक डालनी है। टोटल हमारी विड्थ जो है 8 मीटर है। 8 मीटर? हाँ, 8 मीटर में, मतलब लगभग 24 फुट डबल रोड इसको हम मान के चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली डबल रोड ही है, डबल रोड है जी जी। तो कितना समय अभी लगेगा इस रोड को जो है वो गैडा तक, खड्डा तक पहुँचने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी वहाँ भी होती है और वहाँ का आखिर क्या प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक नाली के अंदर वो रोड जो है वो समाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास जेई सर आ गए थे, डिपार्टमेंट के भी अंकुश सर आ गए थे, एडब्ल्यू सर आ गए थे, वो भी आए हैं। उनकी वजह से बहुत सुपर फास्ट काम चल रहा है, क्योंकि उनकी निगरानी में मोस्टली सारा काम चलता है। जो हमें आगे प्रोसीजर देते हैं उसी प्रोसीजर से हम चलते हैं, जो कि 5 किलोमीटर आप देख रहे हो हमारा कि नाके तक जो है 5 किलोमीटर हमारा अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुका है। अब खाली हमने इसमें क्या काम करना है कि GSBW वगैरह लेइंग करनी है। अप्रोक्सीमेटली दीवारों का काम सारा मोस्टली खत्म ही है किस्म का, तो ये चल रहे हैं। जो आगे गैलाखट की बात कर रहे हैं वो भी मोस्टली 10 या 15 दिन के अंदर अंदर वो भी शुरू कर देंगे, हम शुरू कर देंगे। तो क्या वहाँ पे होगा, आखिर एक नाली के अंदर वो सारा रोड समाया हुआ है, तो क्या प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से वहाँ पे रोड जो है वो बनाया जाएगा? मोस्टली वहाँ पे कलवर्ट्स भी हैं, रोड की डायरेक्शन थोड़ी बहुत हमने चेंज भी की हुई है, एज़ पर ड्राइंग के हिसाब से, एज़ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से, सारा कुछ जो भी है उनके हिसाब से चलता है। जो क्या नाम है, डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट हमें प्रोसीजर देते हैं वो उसके हिसाब से हम पूरा का पूरा चलते हैं। तो ब्लैक टॉपिंग की बात करते हैं, ये जेडी नाका जो है वहाँ तक कब तक आपको लगता है वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग? वहाँ तक तो हम स्टार्ट करने वाले हैं काम विद इन डेज, वहाँ तक हम स्टार्ट करने वाले हैं। GSBWM का काम हम स्टार्ट करने वाले हैं विद इन डेज के अंदर, वो भी करने वाले हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से रोड का ये कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, कितने समय में ये रोड जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो सकता है? आप भी यहाँ पे देखते जा रहे हैं कितने सुपर फास्ट काम चल रहा है, जितना सुपर फास्ट आज तक किसी का काम नहीं मैंने देखा हुआ चलते हुए। हमारे 15 से 20 पार्टीज लगी हुई है कलवर्ट्स पे, अलग लगी हुई है 5-6 पार्टी कलवर्ट्स पे, दीवारों पे 10-15 पार्टियाँ कलवर्ट्स पे चल रही है। तो पर डे आप देखते हैं हमारा आउटपुट भी कितना निकलता है, कितना काम ऑलरेडी हमारा 5 किलोमीटर जो है 70% कंप्लीट हो चुका है जी। तो बिल्कुल जेथे हमारे साथ समीर जेई, जहाँ पे प्राइवेट जेई है और पूरी निगरानी रखते हैं हर समय, जब भी देखो इनको फील्ड के ऊपर, ये ग्राउंड जीरो के ऊपर रहते हैं। और फिर से बता दें, अगर जेडी रोड की अपडेट हम आपको बता दें कि लगभग 50% इसका कार्य जो है वो हो चुका है और जो 50% कार्य बाकी है उसका काम भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और बहुत जल्द जो है वो ब्लैक टॉपिंग का काम भी शुरू करेंगे जेडी नाके तक की बात करते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न गैडाखड की बात करते हैं, तो गैडाखड में बहुत जल्द जो है वो कार्य शुरू होने वाला है। और कहीं ना कहीं हमारा प्रश्न था कि वहाँ पे एक नाली के बीच पूरा रोड समाया हुआ है, क्या होगा, इस तरह से इन्होंने बताया कि उस रोड की कुछ डायरेक्शंस भी जो हैं वो चेंज हुई हैं, क्या क्या उसमें आउटपुट नहीं आएगी, किस तरह से बनेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस समय की आपको बड़ी अपडेट जो है हम जेडी रोड की दे रहे हैं, क्या सूरत हाल है। और देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल 8 मीटर ये रोड बनने जा रहा है, तो समझ सकते हैं कि डबल रोड जो है वो ये बहुत बड़ा सौगात जो है वो ना सिर्फ रियासी ज़िले में बल्कि अखनूर के लोगों को भी मिलेगी, क्योंकि हर दिन जहां से सैकड़ों गाड़ियों की आमद जो है वो अखनूर की तरफ होती है और अखनूर से रियासी की तरफ। ये बड़ी अपडेट है इस समय की, क्या सूरत हाल है। यहां पे ग्राउंड जीरो पे हैं हम और सबसे बड़ी अपडेट ये भी है कि बहुत जल्दी जो है वो गैडाखड, जो कि बहुत वहाँ पर खस्ता हालत है रोड की और काफ़ी परेशानियों का सबब वहाँ पे लोगों को करना पड़ता है, उस जगह का कार्य भी बहुत जल्दी जो है वो शुरू होने वाला है। और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं।
जय हिंद जय भारत।